अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानियां बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिल गया, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछानी शुरू कर दी। इस कारण कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। इसके बाद 1920 में शुरुआती पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। क्योंकि इस इलाके का नाम हड़प्पा था, इसीलिए बाद में यहां से मिलने वाली सभी पुरातात्विक वस्तुओं और इमारतों का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम पर पड़ा। इन नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। क्या विशेषता थी इन नगरों की? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले हिस्से में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी हुई ईंटों की बनाई गई थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी तरह पकी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें सालों साल मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। यहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इसके अलावा अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार भी होते थे और कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े बड़े नालों में मिल जाती थीं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन सभी बातों को देखते हुए पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता 4500 साल पहले भी कितनी विकसित थी। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहां पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी अन्य स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। इसके साथ ही वे अपने साथ लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे उस समय के बच्चे खेला करते होंगे। आइए अब ऐसी वस्तुओं के बारे में जानते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाया करते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिन पर काले रंग के खूबसूरत डिजाइन भी बने होते थे। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिल जाया करती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हजारों साल पहले आयात और निर्यात के द्वारा व्यापार भी किया करते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि उगाते थे। उस समय जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि उस समय खेती के लिए हलों का प्रयोग भी किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहां पर एक इमारत भी मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, आधे अधूरे मनके बनाने वाले उपकरण और पूरी तरह तैयार मनके भी यहां मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3,900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। आखिर यह सब क्यों हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए उन्होंने जंगलों को काटा होगा। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि उस समय के शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। खैर, जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ।